डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग दो टॉपिक्स करेंगे, एक करंट अफेयर्स के जो पीछे आपको दिख रहा है और बिहार की एक पर्सनैलिटी पर अनुग्रह नारायण सिंह भी हम लोग करेंगे। आज के चुने हुए 8 करंट अफेयर्स में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस सत्येंद्र कुमार ने भेजा है, जिनका करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छा पकड़ है। तो सारे छात्रों की तरफ से सत्येंद्र थैंक्स आपको। आइए आज हम लोग देखते हैं ये 8 करंट अफेयर्स के। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, चूँकि कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि उन्हें दिखाई नहीं देता है कई बार और वो नहीं ले पाते हैं स्क्रीनशॉट। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम यहाँ से हट जाते हैं, आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये 8 चुना हुआ करंट अफेयर्स है पिछले 2-3 दिनों का। इसमें से एक दो क्वेश्चन थोड़ा पुराना भी मिल सकता है। भारत के 37वें विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज की घोषणा हुई है। अभी हाल ही में ये घोषणा हुई है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित करता है। 37वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको इंसेम्बल्स, ये दो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में खासकर। इस तरह के गॉथिक जो विक्टोरिया गॉथिक है, ये दरअसल भवन निर्माण की एक कला है जो ब्रिटेन से आई है, जिसमें ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स और ऊंची मीनारें होती हैं, बहुत सारी आर्च और खिड़कियां, दरवाजे वगैरह खास तरह के। तो विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको इंसेम्बल्स, इंसेम्बल्स में बहुत सारी चीज़ों का संग्रह एक साथ, तो इनमें खास तरह का भवन निर्माण की कला देखने को मिलती है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों को खिड़की, दरवाजे, मीनार, बिल्डिंग्स, काफ़ी ऊंचे इसमें मीनार्स होते हैं, तो उनका दरअसल संरचना उनकी देखने को मिलती है। तो इसे जो मुंबई में इस तरह का पुराना बिल्डिंग्स है उसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको इंसेम्बल्स, ये 37वां विश्व धरोहर भारत का घोषित हुआ है। ये मनामा में बैठक हुई थी और वहाँ पर उसमें घोषणा हुई। पहला जीएसटी डे मनाया गया है, 1 जुलाई को हर साल अब जीएसटी डे मनाया जाएगा। चूँकि आपको याद होगा कि 1 जुलाई 2016 को जीएसटी लागू हुआ था और इस साल जब उसका साल पूरा तो 1 जुलाई 2018 को पहला जीएसटी डे मनाया गया, जो हर साल अब मनाया जाएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, 1 जुलाई जीएसटी डे। तीसरा क्वेश्चन, अफ्रीका की यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री अभी हाल ही में गए हुए थे, उन्होंने युगांडा की संसद को संबोधित किया। तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने युगांडन जो पार्लियामेंट है उसको एड्रेस किया। सदी का सबसे लंबा जो चंद्र ग्रहण है कल ही समाप्त हुआ है, इसे हम लोगों ने देखा, 4 घंटे से भी ज़्यादा का ये लूनर इक्लिप्स था, सबसे लंबा सदी का, पूरे शताब्दी का ये सबसे लंबा। तो दिन आपको याद रखना चाहिए, 27 और 28, 27 की रात, 28 की सुबह, तो ये 4 घंटे तक लूनर इक्लिप्स चला, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए 5वां, अगर देखा जाए इधर चार, फोर्ब्स ने 40 अंडर 40 लिस्ट जारी किया है, यानी 40 साल के अंदर के लोगों के 40 लोगों की सूची लिस्ट, जिन्होंने विश्व को टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रभावित किया है। तो ऐसे लोगों में 40, देखिए कई बार मुझे याद है कि पीओ के एग्ज़ाम में पिछले साल पूछा था कि 30 अंडर 30 लिस्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है, तो इस बार 40 अंडर 40 फोर्ब्स ने जारी किया है। 30 अंडर 30 भी फोर्ब्स ही जारी करता है, जो अमेरिका की बिजनेस मैगजीन है। इसमें इंस्टाग्राम के को फाउंडर केविन सिस्ट्रॉन और मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के सीईओ हैं, दोनों को कंबाइंड रूप से पहला पोजिशन दिया गया है, और कोई ख़ास बात इसमें नहीं है। दूसरा है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बिहार की नई योजना है। हम लोग चूँकि तैयारी जब कर रहे हैं तो साइड से बिहार के भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को ज़रूर नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम के समय ये हड़बड़ी ना रहे कि कौन सी मैगजीन पढ़ें, करंट कहाँ से उठाएं। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना नई योजना है, अभी इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने नहीं की है, लेकिन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अभी विधेयक पेश किया है, बिल पेश किया है, जिसमें इस तरह का प्रावधान है। मुख्यमंत्री इसकी घोषणा भी करेंगे किसी खास दिन पर। इसमें लड़कियों को ग्रेजुएशन तक 54,000 रुपया दिया जाएगा, बर्थ से लेकर ग्रेजुएशन करने पर, जैसे ही लड़की का किसी का जन्म होगा तो 1,000 रुपया उसको उसी समय मिल जाएगा, इस तरह से अलग अलग स्टेजेस में। और वेरी इंपॉर्टेंट VVIE
रैमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल प्राइज कहलाता है, फिलीपींस का रैमन मैग्सेसे अवार्ड। 2018 का अवार्ड में दो भारतीयों को दिया गया है। ये आने वाले 6 महीना तक आपको एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के रूप में दिखता रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रैमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कराने वाला सोनम वांगचुक और भरत वाटवानी को यह अवार्ड दिया गया है, एक को सामुदायिक सेवा में और दूसरे को समाज सेवा में। और इस तरह से इस बार रैमन मैग्सेसे दो भारतीयों को मिला है, ध्यान रखना है। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये भावी प्रधानमंत्री हैं, चूँकि इनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जीती है। इसमें आपको इनके राजनीतिक दल का नाम ध्यान रखना चाहिए, इसका ये PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। 1996 में 1996 में ये गठित हुई थी, जब इमरान खान के नेतृत्व में वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता था टीम ने। ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं और अब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी पार्टी का नाम है। तो ये 8 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लें, आने वाले दिनों में भी हम लोग देखेंगे। सतेंद्र जैसे और भी सारे लोग हो सकते हैं जो अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स भेजें, आपको ही रिटर्न में ये मिलेगा, बाकी छात्रों को भी इससे भला होगा। चलिए अब आज का टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले परसों के टॉपिक्स देख लेते हैं, जो इस तरह से है। 31 जुलाई का हम लोगों का टॉपिक है, पर्सनैलिटी पे हम लोग श्री कृष्ण सिंह करेंगे, और दूसरा टॉपिक बिहार का भूगोल होगा, यानी फिजिकल नेचर, बिहार का भौतिक भूगोल यानी फिजिकल नेचर ऑफ ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो ये आप संभव होते थोड़ा सा पढ़ लें जहाँ से भी आपके स्रोत हैं, ताकि समझने में आपको आसानी आए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको अंदाज लगे कि हम लोगों का टॉपिक किस रूप में आगे बढ़ेगा। कई बार लोग कहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं मिलता, और अगर वीडियो से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत आपको है तो ज़रूर इंटीमेट करें, ताकि हमें पता चले कि कोई धुंधला कुछ ज़्यादा लंबे समय के लिए तो नहीं हो रहा है। और हैंडराइटिंग थोड़ी उतनी अच्छी तो हमारी नहीं है, इसलिए हम बोल देते हैं, तो आप हमारे लैंग्वेज पर भी गौर करें, और हैंडराइटिंग के अनुसार अगर कहीं पर दिक्कत होगी तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा उससे आपको पता चल जाएगा क्या लिखा है। अनुग्रह नारायण सिन्हा एक प्रखर राष्ट्रवादी, सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, अथक आंदोलनकारी, प्रभावशाली राजनीतिज्ञ और सफल राजनेता थे। अपने शुरुआती दिनों की सक्रियता के आधार पर ही उन्होंने सबको बता दिया था कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। कॉलेज के छात्र जीवन से लेकर वकालत के पेशे तक उन्होंने कभी भी भविष्य की चिंता नहीं की। हर छोटे बड़े आंदोलन के बाद वे जेल गए, लेकिन जेल से जब भी छूटे अपने अटल अटूट और मजबूत इरादों पर परिस्थितियों को हावी नहीं होने दिया। इनका जन्म वर्तमान औरंगाबाद जिले के पोईवा गांव में हुआ था। शुरुआती शिक्षा दीक्षा तो इन्होंने स्थानीय मिडिल स्कूल से ही पास की, और फिर हाई स्कूल के लिए जिला स्कूल गया में दाखिला ले लिया, और उसके बाद कॉलेज के एजुकेशन के लिए पटना पहुंचे और पटना कॉलेज में अपना एडमिशन लिया। ये 1908 के आसपास का काल था, जिस समय पटना कॉलेज राजनीतिक सक्रियता का केंद्र बना हुआ था, या यूं कहें कि बिहार के उभरते हुए नेताओं की नर्सरी था तो गलत नहीं होगा। इस समय अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार छात्र सम्मेलन यानी बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस के सचिव चुने गए, जिसकी स्थापना 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, छात्रों को संगठित करने के लिए। जल्द ही अनुग्रह नारायण सिन्हा हायर एजुकेशन के लिए कलकत्ता चले गए और वहाँ पर प्रेसिडेंसी कॉलेज से MA इन हिस्ट्री किया, और फिर वकालत की डिग्री लेकर वापस बिहार आए। हालांकि इस दौरान एक साल के लिए TNB कॉलेज भागलपुर में प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया, और फिर पटना आकर पटना हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन यह समय था 1915-16 का समय, जब चंपारण मूवमेंट के लिए भूमिकाएं तैयार हो रही थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हो गया, और अनुग्रह नारायण सिन्हा वकालत की प्रैक्टिस छोड़कर चंपारण सत्याग्रह से जुड़ गए, महात्मा गांधी से जुड़कर गांव गांव घूमने लगे, और बिहार में बिहार की जनता और समाज का जो उत्पीड़न हो रहा था उसको जानने और समझने लगे। 1919 में अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड सामने आया, जिसमें हजारों की संख्या में निर्दोष लोगों को जनरल डायर ने गोलियों से भून डाला। इसी साल 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया, जिसे काला कानून कहते हैं, जिसमें कहा गया था कि सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करते हुए पाए गए लोगों को
केवल शक के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। ये सारी घटनाएं लोगों में गुस्से और रोष का कारण बन रही थी। नतीजा महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़े आंदोलन का आह्वान किया जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं। 1920 से 22 तक ये आंदोलन चला। बिहार में भी इसकी कड़ी प्रतिक्रिया हुई। महात्मा गांधी 1921 में बिहार आए हुए थे। दूसरे कई बड़े नेता भी बिहार में मौजूद थे। ये सब अपने भाषणों से बिहारी छात्रों को उद्वेलित और आंदोलित कर रहे थे। ऐसे में जब यह कहा गया था कि किसी भी सरकारी संस्थान या इंस्टीट्यूशन से नहीं जुड़े रहना है, तब छात्र स्कूल और कॉलेजों को छोड़ने लगे। ऐसे में अल्टरनेट देसी शिक्षा की व्यवस्था के लिए 1921 में बिहार नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। बिहार विद्यापीठ में अनुग्रह नारायण सिन्हा ने शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी। यहाँ पर कई ऐसे छात्र थे जो आगे चलकर बड़े नेता बने। इनमें जयप्रकाश नारायण प्रमुख थे। यह आंदोलन इसी तरह से आगे चला और समाप्त हुआ। 1930 के दशक में फिर नमक सत्याग्रह शुरू हो गया। फिर बिहार में जो बिहारी नेता थे सड़क पर उतर आए, गिरफ्तार हुए, जेल गए। जेल में ही पड़े हुए थे कि बिहार में एक बड़ा विभत्सकारी भयंकर भूकंप आया जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। 1934 का बिहार का भूकंप विनाशकारी भूकंप था। अनुग्रह नारायण सिन्हा इस वक्त जेल में थे, लेकिन जब जेल से छूटे तो सीधे भूकंप में जो लोग पीड़ित थे उनकी सेवाएं के लिए उतर आए। भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए बिहार सेंट्रल रिलीफ कमेटी बनी जिसके उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन बनाए गए अनुग्रह नारायण सिन्हा। जेल से छूटने के बाद ये भूकंप पीड़ितों की सेवाओं में लगे थे, तब इस कमेटी का वाइस चेयरमैन इनको बनाया गया जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस वक्त 1935 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो चुनाव हुए, तब शाहबाद और पटना क्षेत्र से अनुग्रह नारायण सिन्हा सदस्य चुने गए केंद्रीय विधान परिषद में। इसी समय 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया यानी भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें यह कहा गया था कि राज्यों में उत्तरदायी सरकार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का गठन किया जाएगा, यानी देसी सरकारों का गठन किया जाएगा। तब अनुग्रह नारायण सिन्हा ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल से त्यागपत्र देकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीते। 1937 में भारत भर में राज्यों में चुनाव हुए जिसमें बिहार में भी चुनाव हुआ और बिहार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया। श्री कृष्ण सिंह इसके मुख्यमंत्री बने। 1937 में 20 जुलाई 1937 को कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके मुख्यमंत्री बने और अनुग्रह नारायण सिन्हा पहले बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और पहले वित्त मंत्री बने। बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्निंग पॉइंट था। ये बिहार के पहले डिप्टी सीएम बने और डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन राज्यपाल से विवाद हो जाने के कारण, राज्यपाल का नाम हमें ध्यान में रखना चाहिए, मॉरिस गार्नियर। मॉरिस गार्नियर यहाँ इस वक्त 1937 में बिहार के राज्यपाल थे। उनसे स्वायत्तता के मुद्दे पर विवाद हो जाने और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को ज़बरदस्ती शामिल करने के खिलाफ कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने रिज़ाइन कर दिया, यानी सभी मंत्री फिर से सड़क पर आ गए और विरोधी बन गए, विरोध करने लगे। इस दौरान एक बड़ा इंपॉर्टेंट घटना जो हमें ध्यान में रखना चाहिए अनुग्रह नारायण सिन्हा के संबंध में, 1935 के आसपास ये पटना म्यूनिसिपलिटी के वाइस चेयरमैन बने, पटना म्यूनिसिपलिटी के, और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चूँकि ये इस तरह का क्वेश्चन अभी पिछली बार BPSC या CDPO में दिखाई दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में, तो ये इसके उपाध्यक्ष बने। यानी कई सारे पदों को इस वक्त 1935 से 37 के दौरान अनुग्रह नारायण सिन्हा ने संभाला। 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल गिर गई, समाप्त हो गई, त्यागपत्र सभी ने दे दिया, सब लोग सड़क पर आ गए। इस वक्त महात्मा गांधी किसी बड़े आंदोलन के सोच में नहीं थे। बड़ा आंदोलन इस वक्त नहीं चलाया जा सकता था। ऐसे में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का मार्ग चुना। 1940 में पूरे भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ जिसमें कोई एक व्यक्ति सत्याग्रही चुना जाता था और जब उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था तो दूसरा उसकी जगह पर जाकर बैठ जाता था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही चुने गए, लेकिन जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो अनुग्रह नारायण सिन्हा दूसरे सत्याग्रही के रूप में बैठे, लेकिन उन्हें भी फिर गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। ये समय बीच में थोड़ा सा बीच में वैक्यूम है,
ऐसा समय आता है जब कोई बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा था। 1942 आते आते क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, लेकिन इस आंदोलन के पहले दिन ही सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। अब अंग्रेजी सरकार को भी लग रहा था कि अब इन लोगों को बहुत दिनों तक बांध कर रखना संभव नहीं है। नतीजा 1946 में, मार्च 1946 में ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार इंडिया आया, जिसे कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और बिहार में भी कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना। फिर से बिहार में श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने और अनुग्रह नारायण सिन्हा उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बने, जो अपने पद पर अपनी मृत्यु तक रहे। 1957 में अनुग्रह नारायण सिन्हा की मृत्यु हो जाती है और बिहार को एक बड़ा नेता बिहार ने इस तरह से खो दिया, जो समाज, राजनीति और सभी क्षेत्रों में सक्रिय था। 1957 में इनकी मृत्यु के बाद अनुग्रह नारायण सिन्हा का जो राजनीतिक और सामाजिक करियर था, एक शानदार करियर, अपने अंतिम स्थान को पहुँचा। तो इस तरह से अनुग्रह नारायण सिन्हा का जो जीवन है, राजनीतिक सामाजिक जीवन, वो विविधताओं भरा है। जीवन के हर क्षेत्र में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी और सफलतापूर्वक इन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। ये आपको ध्यान में रखना है कि इनके जो कुछ ये सब डेट्स हैं, जिनमें छात्र सम्मेलन का सचिव बनना, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना, TNB कॉलेज में कुछ समय के लिए आना, फिर पटना म्यूनिसिपैलिटी का वाइस चेयरमैन बनना और फिर उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री। तो ये सारी घटनाएं अनुग्रह नारायण सिन्हा के चरित्र को बिहार संदर्भ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत विशेष बना देती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अगली बार एक नए टॉपिक, एक नई पर्सनैलिटी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ध्यान रखें, हमें इजाज़त दें। टेक केयर।